आज मैं आपको सूट बनाना सिखा रही हूँ, जिससे आप परफेक्ट किसी भी साइज का बड़ी आसानी से सूट बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसमें ना तो आपको शोल्डर का ध्यान रखना है, ना आपको आर्म होल का ध्यान रखना है। आप वीडियो को एक बार देखते ही किसी भी साइज का बना लेंगे। अगर आप नए सीखने वाले हैं तब भी बड़ी आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको कपड़े को फैला लेना है। कपड़े को हमने अर्ज की साइड से डबल फोल्ड कर लिया है। इस तरह आपको फोल्ड करके रखना है। अब दूसरे कॉर्नर को पकड़ना है और इसी के ऊपर पलट लेना है, जिससे कपड़ा हो जाएगा चार लेयर में। अब अच्छे से इसको मिलाकर सेट कर लीजिए। इस तरह कपड़े को आपको चार लेयर में रख लेना है। जॉइंट वाली साइड रहेगी अपनी साइड और खुली वाली साइड रहेगी बाहर की साइड। इस तरह आपको चेक कर लेना है कि खुली वाली साइड रहेगी बाहर की साइड। कपड़े की लंबाई 2.5 मीटर है और अर्ज है इसका 42 का। अब आपको अपने साइज का एक सूट ले लेना है और उसमें प्रेस कर लेना है। जो सूट आपको परफेक्ट बनता है अच्छे फिटिंग से, उसको उठा लीजिए, उस पर प्रेस करिए और इसको फैलाकर रख लीजिए। इस तरह पहले आपको सीधा फैलाना है और फिर इसको बीच सेंटर से पकड़कर डबल फोल्ड करना है। तो इस तरह आपको अच्छे से यहाँ पर मिलाकर रखना है। तो जैसे एक सूट यहाँ पर जॉइंट है तो कपड़े में भी जॉइंट है, ठीक है। इस तरह आपको मिलाकर रखना है। अब यहाँ पर एक दो हम पिन लगा देंगे, जिससे कपड़ा जैसा है वैसा ही रहेगा, ये कपड़ा अपनी जगह से हिलेगा नहीं। इस तरह आप पिन से रोक कर रखिए, जिससे कपड़ा बिल्कुल भी हिलता नहीं है और मार्किंग करने में आपको आसानी होगी। अब यहाँ पर आपको बिल्कुल बराबर से निशान बनाते जाना है। पहले निशान आपको इसी के बराबर से लगाना है, इस तरह। तो जहाँ से सूट के आपके चाक ओपन है वहाँ पे आपको इस तरह निशान को बना देना है कि यहाँ से हमारे पार्ट खुलेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर बिल्कुल बराबर से निशान लेते जाइए। जैसा सूट का शेप है वैसे ही आपको निशान लगाते जाना है। यहाँ तक हमने निशान लगा दिया, इस तरह आपको बिल्कुल बराबर से निशान लगाना है। आप ऊपर की साइड ध्यान दीजिए कि गले के पहले आपको बराबर से निशान बना देना है। बराबर से निशान बनाने के बाद यहाँ पर भी शोल्डर पे बिल्कुल बराबर से निशान बना लीजिए। ये बन गया बराबर से निशान। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि आधा इंच ऊपर की साइड एक निशान लेना है, जो इसके अंदर मार्जिन है उसका निशान आपको बाहर की साइड लगा लेना है, ठीक है। आधा इंच इस साइड से और इस निशान को इस तरह मिला लेना है। ये हो गया है इसका सिलाई मार्जिन। अब गले में ध्यान दीजिए कि थोड़ा सा कपड़ा आपको बाहर की साइड निकालना है और निशान बनाते जाना है, जिससे गला बनाते समय आपको यहाँ पर मार्जिन मिल जाएगा। अब यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा मार्जिन बढ़ा कर लेना है आस्तीन के लिए। तो इस निशान को हमने आधा इंच बाहर की साइड बढ़ा दिया है, तो आस्तीन के अंदर जो भी मार्जिन है वो आपको बाहर लेना है, ठीक है। जब सिलाई होगी तो ये बिल्कुल बराबर से आ जाएगा। अब इसके ऊपर हमें इस निशान से आधा इंच ऊपर की साइड यहाँ पर निशान लगाना है। जो सिलाई का मार्जिन है बस वो देते जाना है आपको, ठीक है। अब इसको हमने इस तरह कर दिया। अब यहाँ पर आपको पकड़ कर रखना है, इस तरह पकड़िए और बस आर्म होल की जो सिलाई है उसी से आपको निशान बनाते जाना है। ये हो गया इस तरह निशान आर्म होल का, सिलाई के किनारे से निशान बना दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको मार्जिन बढ़ाते जाना है, बस ये हो गया है आर्म होल का मार्जिन। उसके बाद यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, जो सूट के अंदर होता है सिलाई मार्जिन उसे लेना है। तो यहाँ पर बस मार्जिन बढ़ाते जाइए। आप इस मार्जिन को अंदाज से भी बढ़ा सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ पर निशान चेक करके भी लगा सकते हैं। इंची टेप से इस तरह निशान लगा लीजिए कि 1.5 इंच के हिसाब से आपका मार्जिन होना चाहिए। अब इस निशान को बस हम सीधा कर देंगे और नीचे के लिए ये हो जाएगा मार्जिन। इस तरह आपको नीचे की साइड भी मार्जिन बढ़ा लेना है। यहाँ पर अगर आप पाइपिंग बनाना चाहते हैं तो 1/2 इंच का रखिए, और अगर ज्यादा लेना चाहते हैं तो आप 1.5 भी ले सकते हैं और 1 इंच का भी मार्जिन ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कुछ ही मिनटों में सूट की हमने पूरी मार्किंग कर दी है। इस तरह आप किसी भी साइज के सूट के निशान लगा सकते हैं। अब हमें बस इसी निशान पर इसकी कटिंग करना है। अब एक कट हमें यहाँ पर लगाना है, जिससे याद रहेगा आपको कि इधर से ही हमारी फिटिंग की सिलाई जाएगी, और दूसरा निशान आपको इधर लगाना है। यहाँ पर आपको याद रहेगा कि चाक ओपन हमें इधर से करना है। अभी सूट को हम हटा लेंगे।
अब इसके एक पार्ट को हम अलग कर देंगे। ये हो गया पीछे का पार्ट। तो पीछे के पार्ट को हमने साइड से रख दिया है। आगे के पार्ट में अब हमें आगे के गले का ध्यान रखना है कि गला हमारा कितने साइज में बना हुआ है और आर्म होल में थोड़ी सी गहराई देना है। तो यहाँ पर उठा लेते हैं हम सूट को। इससे आपको गले का पता चल जाएगा कि आगे का गला हमारा कितने साइज का है। इससे आपको बराबर से निशान लगा लेना है। ये हो गया गला। अब यहाँ पर आपको सीधा करते हुए इस तरह पहले गले को सीधा करना है और उसी के बराबर से निशान को मिला लेना इस तरह। अब यहाँ पर गुलाई को दे दीजिए बस इस तरह। तो ये हो जाएगा आगे का गला। अब यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन को छोड़ते हुए हम कट कर लेंगे। इस तरह आपको आगे की गले की साइज मिल जाएगी। और यहाँ पर हमें सिर्फ आर्म होल में इस तरह गहराई देना है। इधर से लीजिए और बस इस तरह घुमाते हुए आधा इंच के हिसाब से गहराई बना दीजिए और बस इसी में मिला लीजिए। और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। इस तरह आपको आगे के आर्म होल में थोड़ी सी सेटिंग करना है। अब दोनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसको हम साइड से रख देंगे और बचे हुए कपड़े से आस्तीन निकालेंगे। कपड़ा जैसा हमारा चार लेयर में रखा हुआ था वैसा ही रखा हुआ है और जॉइंट वाली साइड अपने साइड है और खुली वाली साइड रहेगी बाहर की साइड। अब उठा लेते हैं हम सूट को। सूट की आस्तीनों को आपको इस तरह रखना है। अगर आप आस्तीनों की लंबाई को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं और कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। इस तरह आपको मिलाकर रखना है। एक निशान आपको इसके पास से लगाना है इस तरह। ये हो गया पास से निशान, जहाँ से सिलाई गई है बस वहीं से आप निशान लगा लीजिए। और दूसरा निशान लगाना है आपको आस्तीन की लंबाई के हिसाब से। आप चाहें तो आस्तीन की लंबाई को बढ़ा भी सकते हैं। तो ये इसके बराबर से हो गया और यहाँ पर हम मार्जिन को बढ़ा लेंगे। ये हो गया मार्जिन। उसके बाद इधर से आप बराबर से निशान बनाते जाइए। ये बराबर से निशान लगा दिया और एक निशान आपको इधर लगा देना है इस तरह। अब इस निशान से आपको आधा इंच निशान ऊपर की साइड बढ़ा कर लेना है। ये रहेगा सिलाई मार्जिन। इधर भी आपको आधा इंच ऊपर की साइड निकाल देना है इस तरह। और यहाँ पर आपको मार्जिन फिर एक्स्ट्रा लेना है। ये हो गया मार्जिन के लिए। अब हम आस्तीन को अलग कर देंगे और इस निशान को पहले सीधा करेंगे। इस तरह आपको सीधा कर लेना है। अब इधर से आपको हल्के हाथों गुलाई देते हुए इस निशान से मिला लेना है इस तरह। इस तरह बस मिला दीजिए। अब इस मार्जिन के निशान को नीचे तक लाना है बस इस तरह। अब इसी निशान पर बस कटिंग कर लीजिए, जिससे आपको एक साथ दोनों आस्तीनें मिल जाएंगी। ये हो गई है आस्तीनों की कटिंग। अब इसको खोल कर रख लीजिए बस इस तरह। दो पार्ट को आपको पकड़ना है और इसे फैला लेना है। तो इस तरह आपको आस्तीन खोल कर रख लेना है। ये आस्तीन डबल में रखी हुई है, देख सकते हैं आप इस तरह कि आस्तीन दोनों आपको इस तरह फैला कर रखना है। अब आपको बस एक साइड इसमें गहराई देना है। इस तरह थोड़ी सी गहराई दे दीजिए। ये गहराई आपको पौने एक इंच से एक इंच तक ही रखना है। अब हमें बस इसी निशान पर इसकी कटिंग कर देना है। तो इस तरह आपको दोनों आस्तीनें एक साथ मिल जाएंगी। अब आपको बस गले के लिए तिरछी पट्टियां निकालना है। तो ये कपड़ा जैसा रखा हुआ है वैसा ही हम इसको रखेंगे और तिरछी स्केल रखते हुए यहाँ पे आपको पट्टी निकाल लेना है। इस पट्टी की साइज आपको एक इंच से सवा इंच रखना है। अब यहाँ पर भी आपको चार पट्टी एक साथ मिल जाएंगी, जिसमें गला अच्छे से तैयार हो जाएगा और कपड़ा आपके पास बच ही जाएगा। ये मिल गई हमें एक साथ चार पट्टियां हैं, जिसमें आसानी से गला तैयार हो जाएगा। तो इस तरह आप कुछ ही मिनटों में अपने फिटिंग के सूट की कटिंग कर सकते हैं। और इसमें आपको कोई भी नाप याद नहीं रखना पड़ेगा और ना आपको नाप लेना पड़ेगा। और इसकी स्टिचिंग करना तो बहुत ही आसान है। आप इस वीडियो को देखकर पूरा कंप्लीट सिलना सीख सकते हैं। इस वीडियो की लिंक आपको नीचे कमेंट में मिल जाएगी। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके जरूर बताइए कि नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हैं, जिससे अगला टॉपिक आपके पसंद का हो। थैंक यू, धन्यवाद।